लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबके मिटाए कष्ट कलेश ईश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। ज्ञानेश्वर है सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। समय की सीमा श्री गणेश है अंत आरंभ व मध्य यही है। शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति भक्ति की ये देते शक्ति भय बंधन से देते मुक्ति। निराकार साकार यही है हर युग का आधार यही है। सत्कर्मी बनाने वाली पूजा हूँ। वज्रांग से सत्य सुनकर वरांगी देवताओं की पराजय की प्रतिज्ञा करती है और उधर महारानी मैना की इच्छा अनुसार माँ शक्ति उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनके सम्मुख प्रकट होती हैं। माता आंखें खोले, माता अपनी निद्रा को तनिक विराम दे। माता कौन कौन पुकार रहा था मुझे? मैं हूँ माता।
वहाँ नहीं, यहाँ माता। मैं शक्ति, आपकी पुत्री माता। शक्ति, माँ शक्ति, मेरी पुत्री। हाँ माता, मैं अपना वचन पूर्ण करने आई हूँ। मुझे अपने शरीर में मानवीय अवतार धारण करने योग्य आश्रय दे माता। माँ शक्ति, आप आ गई माता। आप नहीं माता, तुम। मैं आपकी पुत्री हूँ। आपके संस्कार पाकर ही शक्ति मानवों के दुर्लभ माता पुत्र प्रेम को सीख पाएगी। भविष्य में आने वाले अपने पुत्र को दुर्लभ और अलौकिक प्रेम प्रदान कर पाएगी। मुझे आज्ञा दे माता। मैं आपको तुम्हें कैसे आज्ञा दूं? ये शरीर भी तुम्हारा है, ये आत्मा भी तुम्हारी है। जब मैं सब कुछ होकर भी तुम्हारा ही अंश हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दूं? ये संसार परम देव श्री महागणेश की इच्छा का रंगमंच है। हम सब उन्हीं की इच्छा से अपनी अपनी निर्धारित भूमिका पाते हैं, और इस समय परम देव श्री महागणेश की दिव्य लीला में आप माता हैं और मैं पुत्री। माता शक्ति, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। स्वामी, स्वामी देखिए कौन आया है। महारानी, महारानी, कौन आया है महारानी? जगन माता जगदम्बा शक्ति स्वयं हमारी पुत्री बन हमें हमें कृतार्थ करने आई है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। अब मेरे गर्भकाल का समय परम देव श्री महागणेश तथा देवाधिदेव महादेव की आराधना में व्यतीत करें। अवश्य अवश्य, चलो महाराज। परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। अहो भाग्यश्री महागणेश, जो अनायास ही आपके दिव्य दर्शनों का पुण्य सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारायण नारायण। हे परम देव श्री महागणेश, आपकी कृपा से वो समय आ ही गया जिसकी ये संसार आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा है। शक्ति माता महारानी मैना की पुत्री के रूप में मानवीय अवतार धारण करेंगे। नारायण नारायण। वो समय भी अब शीघ्र ही आएगा श्री महागणेश, जब आप शक्ति माता की जन्म जन्मांतरों की पुत्र कामना पूर्ण करेंगे। नारायण नारायण। संसार की समस्त अशुभ शक्तियों का नाश होगा, अर्थात धर्म की विजय होगी। अधर्म का नाश होगा, धर्म का संस्थापन होगा, सत्य की विजय होगी। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण।
नारायण, शक्ति माता के आह्वान के सूत्रधार तो आप ही हैं श्री महागणेश। आप ही ने उन्हें महारानी मैना के गर्भ में प्रतिष्ठित किया है, किंतु किंतु आप इस प्रकार मौन क्यों हैं श्री गणेश? देवर्षि, हर कार्य समय आने पर ही पूर्ण होता है। नारायण नारायण, धन्य हैं आप श्री महागणेश, आपने अपनी ओजस्वी वाणी को स्वर तो दिया, किंतु क्षमा करें प्रभु, आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। देवर्षि, जिस बात को समझने के लिए आप इतनी अधिक भूमिका बना रहे हैं, उस बात को समझने का समय अभी आया नहीं है। अर्थात श्री महागणेश? देवर्षि, आपकी जिज्ञासा शक्ति माता के अवतार और मेरे अलौकिक जन्म के मध्य घटने वाली घटनाओं को जानने को आतुर है। नारायण नारायण, हे हर मन का रहस्य जानने वाले अंतर्यामी, कृपा कर आप अपने अलौकिक जन्म के संबंध में कुछ संकेत तो दें। चतुर नारद, माता शक्ति द्वारा नारी रूप धारण करने, उनके व्यस्क होकर हमें पुत्र रूप में प्राप्त करना, इन सब के बीच भविष्य की अनेक चमत्कारी घटनाओं का जाल बिछा है, जिसका आभास इस समय देना उचित नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण, उत्तम होगा देवर्षि कि आप हर चमत्कारी क्षण की धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें। श्री महागणेश, श्री महागणेश, श्री महागणेश, मैं क्या करूं? आपकी कृपा ने मेरा धैर्य नामक तत्व से निर्माण ही नहीं किया। नारायण नारायण। प्रतीत हो रहा है पुत्र कि तुम माता दिति को दिए हुए मेरे वचन को अवश्य पूर्ण करोगे। माता का वचन पूर्ण करना पुत्र का निर्धारित कर्तव्य है। स्वयंभू। प्रणाम पिताश्री। पुत्र। स्वयंभू माता स्वयंभू, मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। मैं भली भांति जानता हूं कि मुझे क्या करना है। स्वयंभू स्वयंभू। सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम स्वयंभू। दीदी, एक ऋषि पत्नी को इस प्रकार दैत्यों की भांति अट्टहास शोभा नहीं देता। ऋषि पत्नी? अरे मूर्ख ऋषि, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि एक ऋषि पत्नी होने से दीदी का सौभाग्य नहीं जागा है, अपितु दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी दिति के पति होने के कारण तुम्हारा सौभाग्य जागा है। दुष्टा दिति, निर्लज्ज, बार बार सावधान और प्रताड़ित करने पर भी तू अपनी
शुभ छाया लेकर मेरे पौत्र पर डाले पहुंची गई। अपनी मर्यादा में रहो दीदी। मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस न करना। अरे दुष्टा, तू रह जा मेरी दृष्टि से। वज्रांग पुत्र पर तुम्हारा अकेले का अधिकार कैसे हो गया? उस पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा भी और देवी अदिति का भी। क्या कहा? क्या कहा आपने? आज पहली बार आपके मुख से बात निकली है, इसे अंतिम समझ ले। आज के पश्चात यदि मेरे पौत्र पर अधिकार की बात सोची भी तो मैं सर्पनी बनकर तुम दोनों को डस लूंगी। तुम्हें सर्पनी बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो जन्म से ही सर्पनी हो। सर्पनी ऋषिवर, उत्तेजित होकर आप अपने तप को नष्ट ना करें। हम यही मान लेते हैं कि पुत्र वज्रांग पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। देवताओं की माता का दैत्यों पर अधिकार हो भी नहीं सकता। आज के पश्चात यदि तूने मेरे पौत्र पर कुदृष्टि डालने का प्रयास भी किया तो मैं शब्दों की नहीं प्रहार की भाषा में बात करूंगी। देवी अदिति, दीदी के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे लज्जित ना करे ऋषिवर। देवी अदिति, दीदी का दुर्व्यवहार शिष्टता और मर्यादाओं की हर सीमा लांघ चुका है, परंतु हम अपने कर्तव्यों से बंधे हैं। इच्छा होने पर भी आश्रम का त्याग नहीं कर सकते। उद्विग्न ना हो ऋषिवर, समय आने पर दीदी का स्वभाव अवश्य बदलेगा। आने वाला भविष्य तुम्हें इंद्र और सूर्य के साथ धैर्य की माता कहकर पुकारे। देवी अदिति, तुम धैर्य की माता और सहनशीलता की देवी हो। निकल जा यहां से। आशाओं के अनुरूप है पौत्र, तू अवश्य मेरी इच्छा पूर्ण करेगा, अवश्य करेगा। सुंदर, अति सुंदर। स्वयंभू पात, तूने जन्म लेते ही मेरी अतृप्त आत्मा को शांति प्रदान की है। अब मेरी अपूर्ण मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। एकदम ही, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तू अवश्य सफल होगा पौत्र। मैं तुम में दैत्य जाति का वो रूप देख रही हूँ जो भीरु इंद्र और दुष्ट देवताओं का सर्वनाश कर देगा। स्वयंभू, कौन इंद्र, कौन देवता, मुझे शीघ्र बताए पितामही। मैं इसे क्षण उसका भोग लगाकर अपनी भूख को शांत कर लूंगा। पार्थ,
पाताल के अंधकार में सोई पड़ी दैत्य जाति का तो तारक सिद्ध होगा, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है। इसी कारण मैं तुझे तारक नाम प्रदान करती हूँ। तारक, 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 स्वयंभू, स्वयंभू, तारक। 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 हाँ तारक, यही नाम इसकी शक्ति की वृद्धि के साथ तार का सिर बनेगा और तार का सिर बनकर त्रैलोक्य में दैत्य शक्ति के तारण का प्रतीक बनेगा। तार का सिर। बजरंग, तेरी मूर्खता और कायरता के कारण दैत्य शक्ति को जो हानि पहुंची है उसकी पूर्ति तेरा परम पुत्र तारकासुर करेगा। अरे बजरंग, तेरे परम वीर पुत्र के जन्म पर एक बार तो दैत्यों की भांति भयानक अट्टहास कर भीरू। क्या आपको अपने परमवीर दैत्य पुत्र पर कोई गर्व नहीं? क्या तारकासुर का उत्साह बढ़ाने योग्य दो शब्द भी आप नहीं कह सकते? क्यों भीरू और कायर के संबोधन से आप संतुष्ट हो जाते हैं? मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ पुत्र, और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ से ये सोचकर भाग गया कि कहीं मैं उसे भी तुम्हारे साथ स्वर्ग अभियान पर न भेज दूँ। तारक, तुम्हारा पिता दैत्य होते हुए भी दैत्य नहीं है, तुम इसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देना। ये मेरा पुत्र है, ये आपकी शिक्षा और आपके आदेशों को ही कर्तव्य मानकर चलेगा। पितामही, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आपकी हर आकांक्षा को पूर्ण करना मेरा धर्म और निर्धारित कर्तव्य है। तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ तारकासुर, मैं तुम्हें दैत्य गौरव की पराकाष्ठा तक पहुंचा कर ही रहूंगी। पितामही, दैत्य माता दीति की जय। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है कर्ता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।